अब देखिए क्वेश्चन टू आता है, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इन विच साइड्स पी क्यू 3 सेंटीमीटर, क्यू आर 4 सेंटीमीटर, आर एस 3.5 सेंटीमीटर, एस पी 4 सेंटीमीटर एंड डायगनल पी आर 5 सेंटीमीटर। मेजर एंगल पी क्यू आर यूजिंग ए प्रोट्रैक्टर। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखिए उसी तरह से पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम ड्रा करेंगे। क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर लीजिए, रफ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, और ये डायगनल है पी आर। अब देखिए पी क्यू कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना है 4 सेंटीमीटर, आर एस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, और एस पी कितना है 4 सेंटीमीटर, और डायगनल पी आर कितना है 5 सेंटीमीटर। ये हम लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको फेयर करेंगे। सबसे पहले डायगनल पी आर जो है 5 सेंटीमीटर, हम एक उसी तरह से लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। तो करिए ड्रा इसको, देखिए ये हमने 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लिया। अब इसके बाद ये पी है और ये आर है 5 सेंटीमीटर। अब पी क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे 3 सेंटीमीटर ओपन करेंगे इसको 3 सेंटीमीटर। देखिए ये 3 सेंटीमीटर हमने ओपन किया, इसे पी पे सेंटर लेकर के और एक आर्क ड्रा कर ली पी को सेंटर लेकर के, पी क्यू आर्क ड्रा कर ली हमने। अब फिर क्यू आर कितना है हमारे पास, क्यू आर 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर कंपास खोलेंगे, 4 सेंटीमीटर खोली ये कंपास, ये 4 सेंटीमीटर कंपास खोल ली, आर को सेंटर लेकर के और एक आर्क और ड्रा करेंगे जो दूसरी आर्क को आपस में इंटरसेक्ट करेगी, तो ये हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा, क्यू। अब हम क्या करेंगे, पी को और क्यू पॉइंट को जो है ज्वाइन कर देंगे, ऐसे ही क्यू और आर को ज्वाइन कर देंगे, ये कर दिया। अब इसके बाद नीचे क्या है हमारे पास, इधर पी एस है और इधर आर एस है। आर एस देखिए कितना है 3.5 सेंटीमीटर, हम 3.5 सेंटीमीटर कंपास खोलेंगे, ये खोल ली, आर पे रखेंगे, आर को सेंटर लेकर के और नीचे की ओर ऐसे एक आर्क ड्रा कर देंगे, ये 3.5 सेंटीमीटर। फिर एस पी कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर फिर कंपास खोलिए और पी पे रख के और इस आर्क को ऐसे पी को सेंटर लेकर के इस आर्क को ऐसे इंटरसेक्ट करेगी ये हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा, एस। तो इस एस को और आर को ज्वाइन कर दीजिए, एस को और पी को ज्वाइन कर दीजिए, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी, पी क्यू आर एस इन विच साइड पी क्यू 3 सेंटीमीटर, क्यू आर 4 सेंटीमीटर ये, और आर एस 3.5 सेंटीमीटर और पी एस पी 4 सेंटीमीटर एंड डायगनल पी आर इज 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास पी क्यू आर एस क्या बन जाएगी, एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी। और फिर इसकी हम कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे, जैसे जैसे क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं हम ड्रा करते हैं वैसे वैसे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो अब जब ये हमारे पास पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल आ गई, अब हम क्या करेंगे, इसका एंगल पी क्यू आर हमने मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो हम एंगल पी क्यू आर को मेजर करेंगे, देखिए तो ये एंगल पी क्यू आर हमारे पास कितना आ जाएगा 90 डिग्री। कितना आ गया, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये हम लिख देंगे। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी साइड ए बी और साइड बी सी आपस में इक्वल हैं 4 सेंटीमीटर के, सी डी साइड और ए डी साइड इक्वल हैं 5 सेंटीमीटर एंड डायगनल ए सी कितना है 6.5 सेंटीमीटर। ड्रा डायगनल बी डी एंड मेजर इट। तो अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, रफ डायग्राम ड्रा करेंगे। एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर लीजिए ए बी सी डी, ए बी सी डी, जिसमें ये डायगनल ए सी है, ए बी कितना है 4, बी सी भी 4 है, ए सी कितना है 6.5, सी डी कितना है 5,
और AD भी कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो ये हम डायगनल, ये क्वाड्रिलेटरल ड्रा करके इसकी साइड्स और डायगनल लिख लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फेयर करेंगे। देखिए, सबसे पहले उसी तरह से हम क्या करेंगे कि डायगनल 6.5 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे। 6.5 सेंटीमीटर डायगनल ड्रा करिए। देखो, ये एक 6.5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेंगे हम। ये कर लिया, तो ये हमारा ए है और ये क्या है, सी, 6.5 सेंटीमीटर। अब ए बी कितना है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट देखिए हम कैसे ड्रा करेंगे। हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे, 4 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। ये 4 सेंटीमीटर मेजर कर लिया हमने, ए पे रखेंगे और इधर ए को सेंटर लेकर के एक आर्क ड्रा कर देंगे। ये ए बी आ जाएगा, ए बी आर्क आ जाएगी। बी सी आर्क कितनी है हमारे पास, 4 है, तो उतना ही खुला रखेंगे सी को सेंटर लेकर के, और ये ऐसे इसको कट इंटरसेक्ट करेगी दूसरी आर्क को। तो अब ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, बी। अब हम क्या करेंगे, ए और बी को ज्वाइन करेंगे। ऐसे ही बी और सी को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारे पास ए बी 4 सेंटीमीटर है, बी सी भी कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब सी डी लेंगे 5 सेंटीमीटर। हम 5 सेंटीमीटर क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। देखिए, 5 सेंटीमीटर आर्क कैसे ड्रा करेंगे हम, 5 सेंटीमीटर कंपास खोलेंगे, सी पे रखेंगे और नीचे की ओर आर्क कैसे लगा देंगे, सेंटर लेकर के सी को, फिर ए को सेंटर लेकर के उतना ही 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ए डी भी कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और ये ऐसे कट लगा देंगे इसको। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सी और डी को ज्वाइन करेंगे। ये कर दिए, और डी और ए को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये सी डी भी 5 सेंटीमीटर है और ए डी भी कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास ए बी सी डी क्या बन जाएगी, एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी, जिसमें ए बी इज इक्वल टू बी सी 4 सेंटीमीटर है, सी डी इज इक्वल टू डी ए 5 सेंटीमीटर है, और डायगनल ए सी कितना है, 6.5 सेंटीमीटर। और इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन उसी तरह से हम, जैसे जैसे हमने इसको ड्रा किया है उसी तरह से हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। और इसका जो है डायगनल बी डी भी हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। बी और डी को ज्वाइन कर दीजिए। बी और डी को ज्वाइन करने के बाद फिर मेजर करेंगे, ये हमारे पास कितना आता है, 6.1 सेंटीमीटर। तो हम बी डी डायगनल जो है वो कितना लिखेंगे, 6.1 सेंटीमीटर। तो ये हम ड्रा करके डायगनल को, सेकंड डायगनल ड्रा करना है बी डी, और उसको मेजर करके लिख दिया हमने 6.1 सेंटीमीटर। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ईच साइड इज 4.5 सेंटीमीटर एंड वन डायगनल ए सी इज 6 सेंटीमीटर। ड्रा डायगनल बी डी एंड मेजर इट। अब देखिए, हम उसी तरह से एक रफ डायग्राम ड्रा कर लेंगे, ए बी सी डी, ए बी या बी इधर लिख लीजिए, सी और डी नीचे आ जाएगा, और ये डायगनल ए सी है। तो ए बी, ये भी 4.5 सेंटीमीटर है, ये भी 4.5 है, ये भी 4.5 है, ये भी 4.5 है, और डायगनल कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह से इस फिगर को भी ड्रा करेंगे, फेयर करेंगे। 6 सेंटीमीटर एक डायगनल लाइन सेगमेंट ड्रा कर लीजिए। ये 6 सेंटीमीटर हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लिया। तो ये हमारे पास ए है और ये क्या है, सी। अब सभी साइड्स इक्वल दी हैं, ईच साइड इज 4.5 सेंटीमीटर। हम 4.5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे कंपास से। ये 4.5 सेंटीमीटर मेजर कर लिया। अब हम ए को सेंटर लेकर के एक आर्क इधर ड्रा करेंगे, फिर सी को सेंटर लेकर के इसको इंटरसेक्ट करेंगे। ये भी 4.5 है, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, बी। फिर ऐसे ही ए और बी को ज्वाइन कर दीजिए, बी और सी को ज्वाइन कर दीजिए। ये कर दिया, फिर नीचे उतना ही है, 4.5 सेंटीमीटर है, सी डी
ये 4.5 सेंटीमीटर सी को सेंटर लेकर के एक आर्क ड्रा कर दी, ऐसे ही ए को सेंटर लेकर के नीचे की ओर उस आर्क को ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, डी। अब सी को और डी को ज्वाइन कर लीजिए, ये सी डी को ज्वाइन कर दिया और इधर डी ए को ज्वाइन कर दीजिए, ये डी ए को ज्वाइन कर दिया। तो ये देखिए ए बी कितना था, 4.5 सेंटीमीटर, बी सी भी कितना था, 4.5 सेंटीमीटर, सी डी भी 4.5 सेंटीमीटर, ए डी भी 4.5 सेंटीमीटर, और डायगोनल ए सी कितना था हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे, और इसके बाद डायगोनल बी डी को मेजर करना है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ गया ये हमारे पास, 6.6 सेंटीमीटर। तो डायगोनल बी डी हमारे पास आ जाएगा 6.6 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। तो हम इस तरह से ये एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी को ड्रा कर देंगे। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है, तो वो आप अपने आप करेंगे इसको, और फिर अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आता है, क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी लाइन सेगमेंट ए बी और सी डी जो है 5 सेंटीमीटर है, बी सी और ए डी 4 सेंटीमीटर है, और डायगोनल बी डी जो है वो 6.5 सेंटीमीटर है। तो हम उसी तरह से एक रफ डायग्राम ड्रा कर लेंगे, इसमें ए यहाँ ले लेंगे, बी यहाँ ले लेंगे, सी ए और डी ए, क्योंकि डायगोनल बी डी हमें गिवन है, तो बी डी को बेस लेकर के इस तरह से फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। 6.5 सेंटीमीटर, ए बी कितना है, 5 सेंटीमीटर, और ए बी के इक्वल क्या है, सी डी, सी डी ये है 5 सेंटीमीटर, बी सी कितना है और 4 सेंटीमीटर, और ए डी भी कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो ये हम लिख लेंगे, अब हम इसको ड्रा करेंगे, फेयर करेंगे। उसी तरह से हम डायगोनल क्या लेंगे, बी डी डायगोनल लेंगे। अब 6.5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा करिए, तो ये 6.5 सेंटीमीटर हमने लाइन सेगमेंट ड्रा कर लिया, ये बी है और ये क्या है, डी, 6.5 सेंटीमीटर। अब ए बी कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, हम 5 सेंटीमीटर कंपास खोलेंगे, हम 5 सेंटीमीटर कंपास खोलेंगे और बी को सेंटर लेकर के और ऐसे एक आर्क ड्रा करेंगे। फिर ए डी कितना है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर कंपास लेंगे, कंपास खोलेंगे और डी पे डी को सेंटर लेकर के और इसको कट लगा देंगे, ये पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ए। अब ए को और बी को ज्वाइन कर दीजिए, इधर ए को और डी को ज्वाइन कर दीजिए। अब उसी तरह से आगे सी डी कितना है हमारे पास, सी डी कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कंपास खोलेंगे, डी पे रखेंगे और ऐसे नीचे की ओर डी को सेंटर लेकर के नीचे की ओर आर्क लगा देंगे। फिर बी सी कितना है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर खोल लीजिए कंपास, ये 4 सेंटीमीटर खोल ली, फिर बी पे बी को सेंटर लेकर के और इस आर्क को कट लगा देंगे, तो ये पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, सी। अब बी को और सी को ज्वाइन कर दीजिए, सी को और डी को ज्वाइन कर दीजिए, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल आ जाएगी ए बी सी डी, जिसमें ए बी 5 सेंटीमीटर है, ए डी 4 सेंटीमीटर है, सी डी भी 5 सेंटीमीटर है, और बी सी कितना है, 4 सेंटीमीटर, और डायगोनल कितना है ये सी डी और बी डी, सॉरी, 6.5 सेंटीमीटर। तो ये ए बी सी डी हमारे पास क्या बन जाएगी, एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी। अब इसका भी डायगोनल मेजर कर लीजिए, तो इसका डायगोनल कितना है लगभग, ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसको कंस्ट्रक्ट कर देंगे। तो अब ये हमारी वर्कशीट 1 जो है कंप्लीट हो जाती है।